दोस्तों, जन विकास आवाज से मैं सुरेश मार्को आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आज हमारे साथ इस कोरोना महामारी से, इस कोरोना कोविड 19 से, जो कोरोना से लड़के और कोरोना से जीतकर आज कोरोना फाइटर हमारे साथ है, आज उन्हीं से हम पूछना चाहते हैं कि किस तरह से क्वारंटीन में किस तरह से उनको सुख सुविधाएं मिली, किस तरह से दवाइयां दी और किस टाइम में वो किस तरह से इस चीज़ को किस रूप में अपनी तरह से फॉलो किया, जीत के आया है। अब खैरवार जी, ये बताइए कि आपको इस कोरोना महामारी में आपको कैसा पता चला या कोरोना, आपको कोरोना हुआ है या आपको किस तरह से मालूम हुआ कि कहाँ कैसा चेकअप कराया, आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएंगे। जी, मैं अपना दांत दिखाने के लिए गया था नायर अस्पताल, डेंटल अस्पताल में। तो वहाँ गए तो डॉक्टर बोला कि ऐसा है, आपको कफ है और जाके आप अपना कोविड 19 का चेकअप करा लीजिए। फिर पर्ची दिया उन्होंने लिख के, मैं गया नायर अस्पताल कोविड 19 सेंटर, वहाँ पे अपना बलगम दिया, मतलब स्वेब दिया। और फिर तीसरे दिन हमको फ़ोन आया कि भाई आप कोविड 19 पॉजिटिव पाए गए हैं। तो मैं बोला ठीक है। फिर उन्होंने एम्बुलेंस भेजा मुझे लेकर के फाइन। तो आपको यहाँ घर से उठाकर एम्बुलेंस आकर लेके गया और फिर वहाँ पर आपको कहाँ पर लेके गया? अरे, राम मंदिर गोरेगांव वेस्ट में, वहाँ पर अच्छा से एक होटल में रखा, अच्छा से क्वारंटाइन किया, दवा का सब व्यवस्था अच्छा था, खाने पीने रहने का व्यवस्था अच्छा था। फिर 14 दिन बाद हमको घर भेजा है और होम आइसोलेशन के लिए बोला है। मैं ये नियम का पालन करूंगा और सभी जनता से निवेदन है कि डरे नहीं, तकलीफ़ है तो अस्पताल जाएं, अपना चेकअप कराएं और इस बीमारी पे विजय पाएं। तो शंभू खैरवार जी, आपने कोरोना फाइटर्स हैं, आप कोरोना से जीत के आ गए हैं, तो वहाँ पर मतलब जो सरकार की तरफ से जो सुख सुविधाएं हैं, जो दवाई गोली दे रहे हैं, कि अच्छी तरह से प्रिपेयर हो रहे हैं और कोरोना से जो फाइट कर रहे हैं वो लोग आ रहे हैं, वो लोग जो कोरोना जिसको हुआ है वो लोग आते हैं, वो लोग सब इसी तरह से ठीक होके जा रहे हैं कि और ज़्यादा उनका डेट बढ़ रहा है? जी, ये तो उनके बीमारी के ऊपर निर्भर करता है। जिसको कम है, माइल्ड सिम्टम्स है, वो क्वारंटाइन होके अच्छा होके निकल जाते हैं। और ज़्यादा जिनको तकलीफ रहेगा सीने में, जैसे जाम हो गया, सांस लेने में तकलीफ हो रही, अस्थमा जैसे लक्षण दिख रहे हैं उनको, तो भाई ऑक्सीजन देना जरूरी हो जाता है, वो जाते होंगे दिखाने के लिए। हमको तो सेपरेट रूम में रखा गया था, जैसा हमको खाना दवा दारू डॉक्टर आते थे देख के जाते थे और सब व्यवस्था अच्छा था। अच्छा से मैं रहा और अच्छा से अपने घर पे आया हूँ। अभी जो ये अपने वहाँ से जो भेजे गए क्वारंटीन सेंटर से, तो वहाँ डॉक्टरों ने आपको क्या सुझाव दिए हैं कि क्या करने के लिए? जो आपने तो ये कोरोना फाइटर्स आपने जीत चुके हैं, अब आप इधर सब मतलब आपने आप तो जंग को, दुनिया की जंग से जीत चुके हैं, तो डॉक्टर ने आपको क्या बोले हैं कि मतलब किस तरह से रहना है यहाँ पर घर में? जी, वो बोले हैं कि होम क्वारंटाइन रहना, ज़्यादा इधर उधर जाना मत, बिना जरूरत बाहर जाना मत, एक हफ्ते के लिए अंदर ही रहो, खाना पीना खाना, आराम से रहना। तो शंभू जी, आपने तो इतने दुनिया की इस महामारी को बहुत अच्छे से, मतलब आपने उसको प्रिकॉशन, आपने पूरा देखभाल अच्छे किया अपने शरीर का, डॉक्टरों ने भी बहुत अच्छा किया। और तो ये बताइए कि जो आपका आपके साथ और किन किन लोगों को आपके फैमिली से लेके गए और आजू बाजू के कौन कौन थे, वो लोग कहाँ पर हैं, कैसे हैं, उनके कुछ अपडेट है आपके पास? जी, हमारे होम क्वारंटाइन, हमारे आइसोलेशन होने के बाद दूसरी गाड़ी आई, हमारे परिवार, बीवी बच्चा और पड़ोसियों को लेके गए हैं, न्यूजीलैंड हॉस्टल में रखे हैं, वो भी अच्छे से हैं, किसी बात की तकलीफ नहीं है, टाइम से खाना पानी सब मिल रहा है,
सब व्यवस्था वहाँ भी परफेक्ट है, कोई हमको तकलीफ नहीं हुई, ना वो लोग को तकलीफ है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा रहा कि आपने इस महामारी कोविड-19 को जीत चुके हैं, और आप हमारी तरफ से यही आशा है कि इस महामारी में आप अच्छे से होम क्वारंटीन करें, वहाँ से तो जीत चुके हैं, आप यहाँ पर भी अच्छे से करें, और इसी तरह से आप इस महामारी को जीत चुके हैं। तो इस समय क्या आप एक बार जनता से चैनल के माध्यम से आप अपील कर दो कि जनता को, मैं कोरोना पॉजिटिव था और मैं किस तरह से इसको झेला, तो एक बार चैनल के माध्यम से पहुँचो कि ताकि जनता को पता चले कि वाकई में कोरोना क्या चीज़ होती है। आप एक बार चैनल के माध्यम से जनता तक पहुँचाएं संदेश। जी, ऐसा है कि कोरोना इस महामारी में अगर आपको तकलीफ़ है, गले में खराश है, कफ है, सांस लेने में तकलीफ़ है, बुखार है, तो डरे नहीं, सुनिश्चित जगह पे जाएं, अपना कोविड-19 जांच कराएं। अगर पॉजिटिव आते हैं तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पीछे सरकार है, डॉक्टर हैं। अगर आप घर में रहेंगे, ज़्यादा बीमार हो जाएंगे, फिर आप मर भी सकते हैं, इससे अच्छा आप सामने आए और अपना लड़ाई खुद जीतें। तो ये रहा हमारे शंभू खैरवार जी, जो कि कोरोना फाइटर, मतलब कोरोना से जीत के आज घर में आए, आज उनको कितनी खुशी होती हुई। लोग तो आज जो न्यूज में जो डेली अपडेट देखते हैं, सरकार के साइड में देखते हैं, WHO की साइड में देखते हैं, लोग बोलते हैं कि हमें ना हो जाए, हमें ना हो जाए। आज वो जीत के आया, उनको आज जनता को किस तरह से संदेश दिया है, तो ये जो इस महामारी को उसने किस तरह से झेला है, वो शायद हम अभी आज सामने देख रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कि इस महामारी को हम जितना से जितना हो, जैसे से जैसा, अपने आप में बचाव की कोशिश करें। हम भी यही इच्छा है, आम जनता की यही इच्छा है, पूरे दुनिया की इच्छा है कि ये कोविड-19 को हम किस तरह से इसका फाइट किया जाए, और इस लड़ाई में किस तरह से हम इसके भागीदारी रहें। आज जैसे कि देखते हैं हम शंभू जी खैरवार का जो रिपोर्ट आया है, जो इनको क्वारंटीन सेंटर था, होटल द फर्न गोरेगांव कोविड केयर सेंटर 2, जिसमें से उसका नाम है शंभू खैरवार, मोबाइल नंबर, एड्रेस और डेट ऑफ डिस्चार्ज और डेट ऑफ एडमिशन, और ओई टाउन हाउस राम मंदिर, जो इनका पैलेस ऑफ एडमिशन, और इनको जो बोला गया है फॉलो होम क्वारंटीन गाइडलाइंस, मतलब जो इनके लिए 4 दिन के लिए एडवाइस दिया गया है, और उनका ये सर्टिफिकेट है, ये पूरा DMC की तरफ से सर्टिफिकेट दिया गया है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि ये कोरोना वायरस ऐसा कुछ भी नहीं है, जब हम सामने देखे जो कोरोना से फाइट करके आ रहे, तो हम उसके आज हम उसके सबूत के साथ दिखा रहे हैं। हम ये सारे चीज़ें अंडरटेकिंग पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपल, BMC और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का बाकायदा इनका पूरा सील मोहर लगा हुआ है, और उनको जो पॉजिटिव बताया गया है वो, अब जो रिजल्ट आया इनका, जो थर्ड रिजल्ट था शंभू खैरवार जी का, जो कि निगेटिव निकला लास्ट में, तो इस तरह से इनको होम क्वारंटीन के लिए दे दिए, और ये आज अपने घर में सुरक्षित आ गया, और इस तरह से अपने क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन करेगा, और अपने जो ज़िंदगी है वो एक तरह से इस कोविड-19 को जीत के आज सुरक्षित है। कैमरामैन मुकेश के साथ मैं सुरेश मार्को, जन विकास आवाज़, मुंबई।